हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं ड्राइंग, बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपका ड्राइंग इम्प्रूव होता जाएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करते रहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही आउटलाइन किया है और मैंने कुछ लाइन के ऊपर डिपेंड करके आउटलाइन बनाया है। ये बेसिकली सबको ही पता होता है, जब आपको एक फेस बनाना होता है, नोज, आई, आईब्रो, सबकी पोस्चर आपको देखना पड़ता है, उसके बाद एक आउटलाइन होता है। आपको आउटलाइन के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देना, बट गलत भी नहीं बनाना है, ठीक ठाक ही बनाना है कम से कम टाइम में। मैंने इस आउटलाइन के लिए 20 मिनट लगाया है और कुछ हद तक ठीक ठाक हो चुका था। मैंने ज़्यादा इरेज नहीं किया, इसे ही फाइनल आउटलाइन मान लिया, बिकॉज ये प्रैक्टिस है। अब प्रैक्टिस के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना पड़ेगा, बिकॉज आप जितने जल्दी एक प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे आप उतना फास्ट होते रहेंगे, अपने स्किल पर डिपेंड होते रहेंगे। सो अब मैंने शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर का शेडिंग कुछ हद तक कर लिया है। शेडिंग में जो चीज़ आपको जानना चाहिए वो है, आपको लाइट और डार्कनेस को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, बिकॉज आप लाइट और डार्कनेस के हिसाब से ही शेडिंग करेंगे। जिस जगह पर लाइट पड़ रहा है उस जगह पर लाइट शेडिंग, और जिस जगह पर लाइट नहीं पड़ रहा है उस जगह पर डार्क शेडिंग ही होगा। सो आपको वो आपको रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से ही होगा। आपको रेफरेंस फ़ोटो अच्छे से देखना पड़ेगा, कहाँ पर ज़्यादा लाइट आ रहा है, कहाँ पर डार्क एरियाज हैं, उसके अकॉर्डिंगली शेडिंग होगा। सो इतने ही कुछ बोलने का था और कुछ बोलने का नहीं है। आप शेडिंग और आउटलाइन ठीक ठाक करेंगे तो आपका ड्राइंग ऑलमोस्ट अच्छा ही लगेगा। ब्लेंडिंग ना करेंगे तब भी चल जाएगा, बट आप रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं तो आप ब्लेंडिंग करिए, आपका ड्राइंग रियलिस्टिक लगेगा। सो मैं तो ब्लेंडिंग करने के लिए मेकअप ब्रश का यूज़ करता हूँ, आप चाहे तो किसी भी वाटर कलर ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इस बेसिकली इस जगह पर इस ड्राइंग के लिए मैं इरेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट देने के लिए, बिकॉज ये पेपर बहुत ही अच्छा है, हाईलाइट इजी से हो रहा था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इरेबल इरेजर यूज़ कर रहा था। सो गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो और कुछ बोलने का नहीं है गाइस, इतना ही कुछ बोलने का था। सो आज के लिए इतना ही था, आप वीडियो को पूरा देखिए, इंजॉय कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। I'm so